आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। श्री एस एम राजू ने लंबे समय तक परेशान करने वाले संधि रोग के वैकल्पिक समाधान को खोजने के लिए इन स्वास्थ्य परिशिष्टों को विकसित करना शुरू कर दिया। उन्होंने 1981 में इस पर काम करना शुरू कर दिया और जल्द ही प्रभावी ढंग से खुद का इलाज करने में सक्षम रहे। उन्होंने अपने दोस्तों और परिवार के बीच अपने शोध की वकालत जारी रखा। इन पूरक आहार का उपभोग करने के लिए उन्हें प्रोत्साहित किया। श्री एस एम राजू ने 2008 में एक्यूट रीनल फेलियर से पीड़ित अपने पिता और 2010 में एक्यूट माइलॉइड ल्यूकेमिया से पीड़ित अपने बेटे के लिए अपना संशोधन जारी रखा। वो फिर उन दोनों को प्रभावी ढंग से इलाज करने में सक्षम रहे। हालांकि अपने बेटे के मामले में उन्होंने ये सुनिश्चित किया कि उन्हें एलोपैथिक उपचार भी प्राप्त हो। उन्होंने अपने सहयोगियों और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों, उद्योगपतियों के समेत महत्वपूर्ण सामाजिक व्यक्तियों का इलाज जारी रखा। 2014 में उच्च न्यायालय के माननीय मुख्य न्यायाधीश और माननीय केंद्रीय मंत्री के सिफारिश के तहत उन्होंने बड़े पैमाने पर इस आहार का उत्पादन करने का फैसला किया। ये निर्णय उन्होंने ये समझने के बाद लिया कि दुनिया भर के लोग कई विकारों से पीड़ित है और शरीर के कामकाज को सामान्य करने के लिए एक व्यवहार्य समाधान नहीं खोज पा रहे हैं, और जो ये इलाज खोज पाए हैं उन पर दवा के गंभीर दुष्प्रभाव हुए हैं। वो दृढ़ता से मानते हैं कि कोई भी स्वास्थ्य विकार ला इलाज नहीं है। अगर धरती पर मौजूद प्राकृतिक संसाधनों का सावधानी पूर्वक अध्ययन किया जाए तो हर गंभीर बीमारी का इलाज संभव है। ये स्वास्थ्य संबंधित परिशिष्ट हर्बल आहार की प्रकृति 100% हर्बल है। इसमें किसी भी प्रकार के धातु, एफ्लाटॉक्सिन या कीटनाशक शामिल नहीं है। इन परिशिष्ट में इस्तेमाल की गई सभी जड़ी बूटियों में महत्वपूर्ण औषधीय मूल्य है, जिनके लाभों का उल्लेख चरक संहिता, सुश्रुत संहिता, अष्टांग हृदयम, सारंगधर संहिता, माधव निदान संहिता, कश्यप संहिता, भाव प्रकाश और भैषज रत्नावली जैसी प्रसिद्ध वैदिक साहित्य में भी किया गया है। इन पूरक आहारों में इस्तेमाल होने वाले सभी जड़ी बूटियां पूरे भारत के विभिन्न राज्यों में से चुनी गई है। इन जड़ी बूटियों का परीक्षण NABL ISO 17025 के तहत मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाओं में किया गया है। स्वास्थ्य विकार। स्वास्थ्य विकारों ने मानव जाति को तब से त्रस्त कर दिया है जब से सर्वप्रथम मानव का पृथ्वी पर अवतरण हुआ। हालांकि 20वीं शताब्दी के अंत तक इनमें से अधिक विकार प्रकृति से ही उत्पन्न हुए थे और इनमें से कुछ बीमारियों का इलाज आसानी से किया जा सकता था। हालांकि पूर्ण निष्पक्षता में कई बीमारियां ऐसी थी जिन्हें लाइलाज माना जाता था। चेचक, मलेरिया और पोलियो आदि जैसी बीमारियों के उन्मूलन का यश आधुनिक चिकित्सा के वैज्ञानिकों द्वारा किए गए प्रयासों को दिया जा सकता है। इन सभी उपलब्धियों के बावजूद आधुनिक औषधीय विज्ञान अपनी प्रारंभिक अवस्था में है और स्वास्थ्य संबंधित प्रमुख मुद्दों का इलाज ढूंढने में विफल रहा है, जैसे कि हृदय, किडनी, अग्नयाशय, यकृत, मस्तिष्क आदि जैसे विफल अंगों की खराबी दूर कर उसका कायकल्प करना। आधुनिक चिकित्सा की प्रारंभिक अवस्था को देखते हुए एक विशेष विकार के उपचार के कई प्रमुख दुष्प्रभाव हो सकते हैं जो व्यक्ति के अतिरिक्त जीवन पर कठोर प्रभाव डाल सकता है। स्वास्थ्य विकारों का मूल कारण। 21वीं शताब्दी में होने वाले असंख्य स्वास्थ्य विकारों के मौजूद के प्रमुख कारणों में से एक बड़ी मात्रा में हवा में छोड़ी जाने वाली जहरीली गैस है। इसके कारण फेफड़ों के विकारों और अकाल मृत्यु के दर में वृद्धि हुई है। इसके अलावा बड़े पैमाने पर वनों की कटाई ने
हवा को शुद्ध करने के लिए आवश्यक प्राकृतिक रूप में उपलब्ध कार्बन पृथक की मात्रा को कम कर दिया है। इसकी एक और समस्या है, जब जंगल काटे जाते हैं तो उन जंगल पर निर्भर प्राणी जीवित रहने के लिए कृषि खेती के तरफ रुख मोड़ते हैं। परिणाम स्वरूप किसान अपनी उपज की रक्षा करने और उत्पादन बढ़ाने के लिए कीटनाशकों का बड़ी मात्रा में उपयोग करते हैं और हम उन खाद्य पदार्थों का सेवन करते हैं जिनमें कीटनाशकों की मात्रा होती है, जिसके कारण कई दीर्घकालीन बीमारियां हो जाती है। इसके अलावा 21वीं सदी की अनियमित जीवन शैली भी हृदय की बीमारियों, मधुमेह आदि से पीड़ित लोगों की संख्या में वृद्धि होने का कारण है। हमें ये समझना चाहिए कि शारीरिक समस्याओं के लिए दवा पर निर्भर रहने के बजाय हमारे शरीर को स्वास्थ्य रखना और उसकी देखभाल करना ज्यादा महत्वपूर्ण है। उत्पादों के सुंदरता ये है कि जनता के लिए जारी करने से पहले माननीय मुख्य न्यायाधीशों, माननीय केंद्रीय मंत्रियों, शीर्ष नौकरशाहों और शीर्ष डॉक्टरों जैसे प्रोफेसरों और विभिन्न मेडिकल कॉलेजों के विभाध्यक्ष, मशहूर व्यक्तियों, व्यावसायिक टाइकून, रिश्तेदारों और दोस्तों के द्वारा उनका परीक्षण किया गया। सभी ने अपने शरीर पर इसका सकारात्मक प्रभाव को देखने के बाद इसका समर्थन किया। अनुसार श्री एसएम राजू ने 20 साल पुरानी कंपनी मल्लूर फ्लोरा और हॉस्पिटैलिटी प्राइवेट लिमिटेड को बड़े पैमाने पर उत्पादन और आपूर्ति करने के लिए आहार का फॉर्मूला दिया, इस शर्त पर कि बिक्री से उत्पन्न मुनाफे का 50% गुरुकुल आश्रम में ग्रामीण गरीब मेधावी बच्चों की शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए खर्च होगा, जहाँ CBSE अंग्रेजी माध्यम से ग्रेड 6 से 12 के साथ संस्कृत और वैदिक साहित्य भी पढ़ाया जाता है। 50% द प्रॉफिट विल बी स्पेंड ऑन द एजुकेशन ऑफ द रूरल पुअर चिल्ड्रन इन गुरुकुल आश्रम सिस्टम रीइन्फोर्सेस हिज डेडिकेशन टुवर्ड्स द बेटरमेंट ऑफ द सोसाइटी। आई विश हिम द बेस्ट ऑफ लक। एसएम राजू ने शासकीय नालंदा मेडिकल कॉलेज पटना इंडिया के बाल रोग विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर अरुण कुमार ठाकुर के ऋणी है, जिन्होंने उन्हें इस संशोधन के अनुसंधान में उनका मार्गदर्शन किया। वह अपनी पत्नी श्रीमती सुनीता राजू के भी ऋणी है, जिन्होंने उनके शोध के लिए भारी सहयोग दिया।
और फ्लैक्स डाइट पर जोहाना बुडविक के सिद्धांत से वाकिफ किया। उत्पाद की विशिष्टता, कोई भी धातु एफ्लाटॉक्सिन, गोमूत्र या रासायनिक नहीं होता है, यह 100% हर्बल काढ़ा है। और ये ड्रिंक्स अन्य एलोपैथिक दवा का साथ में लिए तो कोई साइड इफेक्ट नहीं, लेकिन उसका साथ में लिए तो और स्पीडली रिकवरी होगा। ओनली वन कंडीशन है, जो आदमी बीपी है और डायबिटिक मेलाइटिस मतलब शुगर है, ध्यान में रखना चाहिए कि उनका एलोपैथिक मेडिसिन जो है स्लोली कम करना पड़ेगा। ये काम किस प्रकार करता है? प्राकृतिक रूप से उपलब्ध लाखों फाइटोकेमिकल्स ड्रिंक्स के खुराक में मौजूद है। यह संभवतः शरीर में मौजूद सुषुप्त कोशिकाओं को उत्तेजित करता है और कोशिकीय स्तर पर शरीर में मौजूद विष का नाश करता है। यह प्रोबायोटिक्स के रूप में भी काम करता है, जो आंत में मौजूद प्रीबायोटिक्स को पोषण देता है। फ्लैक्स का मतलब हिंदी में अलसी बोलता है, बिहार में पीसी बोलता है, एंड इंग्लिश में इवन लिंसी भी बोलता है उसको। और इसको डॉक्टर जोहाना बडविक थियरी, जो जर्मन का साइंटिस्ट है, उनका अनुसार हम लोगों हमारा बच्चा को ब्लड कैंसर जब था उस समय पर हम लोगों एक्सपेरिमेंट किए और उसके बाद में इंटर वर्ल्ड के लिए मैं ये फ्लैक्स डाइट मतलब अलसी का मट्टा को मैं प्रचार कर रहा हूँ। हर आदमी का जो बीमारी है उसको इसको प्रमोट करता हूँ, क्योंकि इसमें एक पैसा खर्च नहीं होता, 2-3 रुपये का अंदर ही हो जाता है एक ग्लास बनाने के लिए घर में, तो लेकिन वो 10,000 रुपये का वैल्यू। फ्लैक्स सीड आहार के उपयोग कर ओमेगा-3 और ओमेगा-6 फैटी एसिड के माध्यम से करके कोशिकीय चयापचय गतिविधि और कोशिकीय श्वसन प्रणाली को नियमित करना है। इसी प्रकार लाभकारी सूक्ष्माणुओं का नियमन करना, जिनका मुख्य कार्य विभिन्न एंजाइम का निर्गमन करना है, जिसकी वजह से खाए हुए भोजन में मौजूद पोषक तत्व बराबर से बांट जाए और आवश्यक कोशिकाओं में उनका आपूर्ति हो जाए। आंत और कोशिका के लाभकारी सूक्ष्मजीव, पचन प्रक्रिया में लाभकारी सूक्ष्माणुओं की भूमिका के कारण शरीर को अधिकतर पोषण मिलता है। मानव आंत सूक्ष्मजीवों के संख्या में लगभग 100 ट्रिलियन बैक्टीरिया की कोशिकाओं का घर है। स्वस्थ सूक्ष्माणुओं का सबसे महत्वपूर्ण कार्य एंजाइम का उत्पादन करना है और ये एंजाइम भोजन में मौजूद पोषक तत्वों को विभाजित करते हैं, जिनकी शरीर के सभी हिस्सों में आपूर्ति होती है। साधारण भाषा में त्वचा, रक्त, हृदय, यकृत, गुर्दे जैसे विभिन्न अंगों के समुचित कार्य को सुनिश्चित करना। कोशिकाओं ठीक से काम करने के लिए सक्षम होना आवश्यक है। कोशिकाएं और सूक्ष्माणु एक सिक्के के दो बाजू है। सूक्ष्माणुओं के बिना कोशिकाएं निरर्थक है। विभिन्न अंगों की कोशिकाओं को विभिन्न पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। आँखों को विटामिन ए, हड्डियों और जोड़ों को कैल्शियम की आवश्यकता होती है। मौजूद सूक्ष्माणु इन विभिन्न पोषक तत्वों को तोड़ने और विभिन्न अंगों में उनकी आपूर्ति करने का कार्य करता है। सर, हमने प्रोडक्ट को हमने यूज किया, हमारे साथी अखिलेश जी, सर हमको भरोसा नहीं था कि इतना बढ़िया काम करेगा, लेकिन सर जी कहने से इस्तेमाल कर लिया आप एक बार, हमने कहा ठीक है ले जाओ। तो वेद इम्यूनेबल और वेद नेचुरल हमने एक एक ढक्कन सुबह शाम लेना स्टार्ट किया,
हमारी शुगर की रिपोर्ट लगभग 400 थी और नाश्ते के बाद भी लगभग यही थी। हमें लगभग 20 दिन यूज करने के बाद फिर जांच कराई तो नाश्ते के पहले हमारी 93.4 आई जो कि काफी सही थी और नाश्ते के बाद वाली वो भी सर एकदम क्लियर रिपोर्ट थी। हमारे मोबाइल में रिपोर्ट भी है, सब कुछ है सर, इतना बढ़िया रिजल्ट कभी नहीं आया था। और हमको उठने बैठने में ये घुटने भी दर्द करते थे, आज यूज करने पर हम अपने आप बैठ सकते हैं और उठ सकते हैं। नहीं तो हमको सहारा लेना पड़ता था, उसका सहारा लेते थे, कर लेते थे। और सर एक खास बात हुई है, जैसे शुगर के मरीज को फिर इसी प्रतिशत दिन में 3-4 बार लाइटिंग जाना पड़ता था, पेट साफ नहीं होता था, तो हमें अब ऐसा हो गया है कि हमारा लेवर जैसे 20-25 साल की आयु में रहता था वैसा हो गया, केवल एक बार लाइट नहीं जाते हैं, बहुत बढ़िया फर्स्ट क्लास होती है। अब 3-4 बदलाने की आवश्यकता नहीं होती, न गैस बनती न कुछ, काफी कोई निकला हुआ था, काफी मोटे थे, अब तो काफी सही बातें हो गई है। तो थैंक यू। जहाँ तक प्रोडक्ट की टेस्टिमोनियल रिपोर्ट के बारे में बता रहे थे सर, मैं खुद डायबिटीज पेशेंट था, मेरा डायबिटीज रहता था 320, कभी कभी 350 होता था सर। मैंने बेस नेचर लिया सर का, एक मैडम जी का एक वीडियो मैंने देखा था सर, मैंने उसमें कंज्यूमशन का प्रॉबर्टीज का पूरा बनाया। बनाने के बाद क्या हुआ सर, हमारा जब मैं फर्स्ट डे में तो समझ में नहीं आ, तीन चार दिन के बाद सर मैं 135 आया एम्प्टी स्टोमच में, खाली पेट में 135 आया। और खाने के 2 घंटे के बाद मेरा 145 रहा, 7 to 8 days के बाद सर मेरा 85 हो गया एम्प्टी स्टोमच में। उसके बाद सर 2 घंटे के बाद मैं चेक कर रहा हूँ तो सर मेरा 120 स्टिल नाउ चल रहा है सर, आई मीन नॉर्मल, मतलब लगभग सर 2 से 2.5 महीना हो चुका है। मेरा नाम है रमेश चंद्र माझी, उड़ीसा से बिलोंग करता हूँ और रहता हूँ मध्य प्रदेश में, एज सर 40। पब्लिक सेक्टर में काम करता हूँ, या जी ऑल इंडिया सेक्टर में मैं हूँ। तो सर यही मैं मैसेज देना चाहता हूँ, प्रोडक्ट सर कैसा काम करता है, प्रोडक्ट कैसा काम करता है, मतलब हमारा प्रोडक्ट डिकॉक्शन फॉर्मूला में है। डिकॉक्शन फॉर्मूला के बारे में डेप्थ नॉलेज सबको लेना पड़ेगा। जब तक आपको डिकॉक्शन फॉर्मूला के बारे में डेप्थ नहीं नॉलेज नहीं आता तो सर आप लोग समझ में नहीं आएगा। रिजल्ट तो सर बहुत बढ़िया है। थैंक यू वेरी मच सर, यू आर द ग्रेटेस्ट सर। भारत सरकार और कर्नाटक सरकार ने क्रमशः इक्विटी और सॉफ्ट लोन इस परियोजन के लिए प्रायोजित किया। यह संयंत्र बेंगलुरु हवाई अड्डे से 40 किलोमीटर दूर मस्तनहल्ली औद्योगिक क्षेत्र के निकट 10.3 एकड़ औद्योगिक क्षेत्र में फैला हुआ है। इसकी क्षमता प्रतिदिन 1,00,000 लीटर दवा उत्पादन करने की है। विभिन्न लाइलाज स्वास्थ्य विकार के इलाज के लिए उन्होंने किए हुए हर्बल यौगिकों के आविष्कार की पुष्टि करते हुए उन्हें प्रतिष्ठित राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से हांगकांग, दुबई और मुंबई में और टाइम्स स्वास्थ्य उत्कृष्टता के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। बिहार केडर के वरिष्ठ IAS अधिकारी होने के नाते श्री SM राजू ने अपने व्यवसाय में कई उपलब्धियां हासिल की है। वह वनारोपण के बारे में उत्साहित है और उन्होंने 29 अगस्त 2009 को
बिहार के 6 जिलों के 7000 गांवों में 3 लाख लोगों की मदद लेकर 96.4 लाख पौधे लगाने का विश्व रिकॉर्ड बनाया है। इसके बाद यह संकल्पना राष्ट्रीय नीति बन गई है। दिवंगत माननीय राष्ट्रपति श्री अब्दुल कलाम ने अपनी पुस्तक लक्ष्य 3 बिलियन में श्री एसएम राजू की उपलब्धियों को पुरस्कृत किया है। बीबीसी ने श्री एसएम राजू के सामाजिक वाणी की संकल्पना को पुरस्कृत किया और उन्हें भारत का वृक्षारोपण गुरु कहा है। कर्नाटक के माननीय मुख्यमंत्री द्वारा उन्हें 1 दिन की 1 करोड़ वृक्षारोपण परियोजना के लिए सम्मानित किया गया। यह श्री एसएम राजू के सामाजिक जिम्मेदारी को दर्शाता है, जिन्होंने मानव जाति के लाभ के लिए मिरेकल ड्रिंक्स हर्बल आहार का आविष्कार किया है।